लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत पर उबला लखनऊ। लॉकअप में बिगड़ी तबियत, घरवालों ने पीट पीट कर मारने का लगाया आरोप। चिनहट थाने के लॉकअप का सीसीटीवी आया सामने। कल लॉकअप में बंद मोहित पांडे की बिगड़ने लगी थी तबियत। कानपुर में 4 महीने से लापता महिला का मर्डर, जिम ट्रेनर ने मारकर डीएम कैंपस में दफनाया, पुलिस ने खुदाई कर कंकाल निकाला। मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोरखपुर की ट्रेन पकड़ते वक्त हंगामा, 9 जख्मी 2 गंभीर। उत्तर भारत जाने के लिए सूरत के उतना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़, रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लंबी कतारें। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल सिक्योरिटी का दिया मंत्र, कहा फ्रॉड कॉल आने पर रोको, सोचो और एक्शन लो। महाराष्ट्र में खत्म नहीं हो रही है सीटों पर खींचतान, समाजवादी पार्टी से महा अघाड़ी में टेंशन। महाराष्ट्र में अकेले लड़ने की धमकी, नवाब मलिक के ऐलान से महायुति में तनाव। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता जेडीयू में होंगे शामिल, पटना में लेंगे पार्टी की सदस्यता। आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुला जयपुर हवाई अड्डे का टर्मिनल 1। ज्ञानवापी केस पर बोले जगद्गुरु राम भद्राचार्य, हम हाईकोर्ट फिर एससी जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग में सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली। आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मारा छापा, 8 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद। बिहार में सियासी हलचल, शहाबुद्दीन के बेटे उसामा के आरजेडी में वापसी। दिल्ली की AQI लेवल फिर खराब, जहांगीरपुरी में AQI 414 दर्ज। अलीगढ़ शहर के कुछ हिस्सों को धुंध से लोग परेशान, जहरीली धुंध ने शहर को अपनी चपेट में लिया। आगरा में कई हिस्से धुंध से ढके, पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा, ताजमहल से तस्वीरें आई सामने। मुंबई में भी प्रदूषण की मार, शहर के कई हिस्से धुंध से ढके, वडाला से सामने आई तस्वीरें। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां, राम मंदिर और दूसरे मंदिरों में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। दिवाली में मिठाई की बेहद मांग के चलते कई दुकानदार धड़ल्ले से मिठाई में मिलावटी पदार्थ का कर रहे हैं इस्तेमाल। दीपोत्सव के दौरान 20 घंटे से ज्यादा अयोध्या में रहेंगे यूपी सीएम योगी। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने बदले की खाई कसम, संसद में ली शपथ। इसराइल ने ईरान पर हमले के बाद हिजबुल्ला के सुरंगों को उड़ाया, बेरूत में उठा धुएं का गुब्बार। मेक्सिको में भीषण हादसा, बस एक्सीडेंट में 19 लोगों की मौत।